दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्मों में जो एक्टर्स आज मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनमें से बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जो कि बचपन से ही फिल्मों में काम करते नजर आए हैं। इन एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर शुरू की थी और आज वो फिल्मों में मुख्य अभिनेता के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि 90s के दौर में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में नजर आते थे और आज भी या तो फिल्मों में एक्टिव है या फिर उन्होंने फिल्मों से दूर किनारा कर लिया है। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए सारी जानकारी पाने के लिए। नंबर 1 पर बात करते हैं पूजा रूपारेल की। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आपने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो जरूर उसे देखी होंगी। इस फिल्म में पूजा रूपारेल ने काजोल की छोटी बहन यानी कि चुटकी का कैरेक्टर प्ले किया था जो काफ़ी कॉमिक और चुलबुला था। उसके बाद में इन्होंने फिल्मों से दूरी कर दी, लेकिन आज ये फिर से फिल्मों की ओर वापसी का रुख कर रही है और फिलहाल ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन और सिंगर हैं। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल की फिल्म कुछ कुछ होता तो सभी की फेवरेट है। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में एक चुलबुला सरदार का कैरेक्टर प्ले किया था परजान दस्तूर ने, जो कि बाल कलाकार के तौर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस फिल्म में और बार बार वो सितारों को गिनते हुए नजर आते थे। उनकी चुलबुली एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी कर ली और आजकल ये कुछ ऐसे दिखते हैं। फिलहाल ये असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। मालविका राज की पहली फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, जो कि शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे सितारों से सजी हुई फिल्म थी। साल 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई, जिसमें मालविका राज ने करीना कपूर के बचपन का कैरेक्टर प्ले किया था और उनकी चुलबुली एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया। अपनी पहली फिल्म से ही मालविका राज को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिल गई, जिसके बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों से उभरना शुरू हो गए। उन्होंने 2-3 तेलुगु फिल्मों में काम किया और फिलहाल वो बॉलीवुड में वापसी के लिए तैयार हैं। कभी खुशी कभी गम फिल्म में एक और बाल कलाकार था जिसका नाम था जिब्रान खान। उन्होंने शाहरुख खान के बेटे का कैरेक्टर इस फिल्म में प्ले किया था। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म करने के बाद में उनको रिश्ते फिल्म को ऑफर भी आया और उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया और फिलहाल वो फिल्मों से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली फिल्मों में वापसी करेंगे और शायद एक बहुत ही बेहतरीन सितारा बनकर सबके सामने आएंगे। दोस्तों, ये देखो जैसे बाल कलाकार जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट में बताइए जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए।